उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अजीब वाक्या हुआ है। 81 वर्षीय महिला को ब्रेन हैमरेज आया था और डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड बता दिया और परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी और लाश को शमशान घाट पर ले जाया जा रहा था कि तभी महिला ने आँख खोल दी और परिजन चौंक पड़े। फिर महिला को घर लाया गया, लेकिन दूसरे दिन महिला की मौत हो गई। पूरा मामला फिरोजाबाद के जसराना कस्बे के बिलासपुर का है और यहाँ की रहने वाली हरिभेजी को बीमारी के चलते 23 दिसंबर को फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। ट्रामा सेंटर में मंगलवार को हरिभेजी के ब्रेन और दिल ने काम करना बंद कर दिया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने कहा कि अब ये डेड हो गई हैं और परिजनों से डॉक्टर ने कहा कि अगर वे कोई और निजी रस्म करना चाहे तो कर सकते हैं। मंगलवार को ही हरिभेजी के बेटे सुग्रीव सिंह अपनी मां को मृत मानकर अंतिम संस्कार के लिए जसराना ले जा रहे थे और इसी बीच रिश्तेदारों को भी निधन की सूचना दे दी गई थी, लेकिन रास्ते में ही सिविल लाइन और मखनपुर के बीच अचानक हरिभेजी ने आँख खोल दी। परिजनों को लगा कि डॉक्टर ने उनसे गलत है, ये तो जिंदा है। उसके बाद हरिभेजी को अपने घर ले आए जहां उनसे गोदान कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हरिभेजी ने चम्मच से चाय पी थी और उनकी हालत खराब ही थी, लेकिन मौत नहीं हुई थी। परिजनों को थोड़ी तसल्ली हुई कि उनकी घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य अभी जिंदा है।